गुरु, अगर आपको मौका मिले भगवान के लिए केस लड़ने के लिए, तो कौन से वाले भगवान के लिए केस लड़ोगे? कंफ्यूज मत हो यार, चलो मैं बताता हूँ। OMG 2 का टीजर आ गया। गुरु, देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मगर सब कुछ इतना सीधा सीधा नहीं है। OMG 1 में हमने देखा था कि एक नास्तिक किस तरीके से भगवान के खिलाफ केस लड़ता है, फिर भी भगवान खुद आकर उस नास्तिक की हेल्प करते हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए और इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए। मगर OMG 2 की कहानी इसके पार्ट 1 से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, बताता हूँ मैं यार, शांति रखो पुत्र। OMG 1 में हमने देखा था कि एक नास्तिक ने भगवान के खिलाफ केस लड़ा था, और OMG 2 में हम देखने वाले हैं कि एक आस्तिक भगवान के लिए केस लड़ेगा। यही होने वाली इस मूवी की कहानी, जो मुझे लगता है। गुरु, भगवान के खिलाफ केस लड़ो या भगवान के लिए केस लड़ो, कुटाई दोनों बार होगी। पार्ट 1 में इस तरीके से हुई थी और पार्ट 2 में इस तरीके से होगी। मैं बता रहा हूँ, भगवान भेदभाव नहीं करते, जो उसको मिला था वो तुमको मिलेगा। इस टीजर में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, चलो बताता हूँ मैं। गुरु, सबसे अच्छी बात तो यही है कि मुझे ऐसी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है, बस थोड़ा VFX का तड़का और मार देते तो मजा आ जाता यार। बाकी इसमें अक्षय कुमार, अरुण गोविल, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी है। अब अरुण गोविल सर का इनमें क्या रोल होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये जो भी करने वाले अच्छा ही करने वाले भाई। दुनिया आज भी इनको श्री राम के नाम से जानती है। मुझे तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई भाई इनको देख। और इसके टीजर में मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि इसके टीजर में ज्यादातर इन्होंने हिंदी का यूज करा है, मतलब सब चीज हिंदी में लिखी है। उसमें अगर आप लोगो वगैरह को हटा दो तो पूरा प्रॉपर हिंदी में है वो, जो मुझे बहुत पसंद आया भाई। इससे पता लगता है कि आप अपने कल्चर को लेके, अपने विजन को लेके कितना परफेक्ट हो। अगर गुरु कहीं मिस्टेक भी करिए इन्होंने, जो मुझे सच में बहुत बुरी लगी यार, चलो आप इस सीन को खुद देखो, ये साफ पता लग रहा है कि ये बच्चा खुद पीछे जाने वाला है, ट्रेन से नहीं टकराएगा गुरु। मतलब इतनी गंदी एडिटिंग मैंने कहीं नहीं देखी भाई। अब इस चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया या इग्नोर कर दिया या सोचा इसको कौन देखेगा, तो ये हमने पकड़ ली भाई। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस मूवी को दूसरी आदि पुरुष ना बनाए कोई, तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों का इस मूवी को देखने का विजन यहाँ पर है और वो यहाँ पर हो जाए। तो संभल के रहना, अगर आदि पुरुष जैसा क्रोध नहीं चाहते पब्लिक से, तो ऐसी गलतियाँ हटा दो भाई जितने जल्दी हो सके। हमें पता है कि अक्षय कुमार के बाल नकली है और वो लग भी रहा है, मगर हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर ये जो सीन है ना गुरु, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जितनी जल्दी हो सके चेंज कर दे। बाकी चीज हमें इसका ट्रेलर देखने के बाद पता लगेगा, जो रिलीज होगा अभी थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि इस मूवी को आने में टाइम है, 11 अगस्त को रिलीज होगी। और कुछ लोग इस मूवी को अभी से ही आदि पुरुष से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ये आदि पुरुष मूवी नहीं होने वाली, वो एक सुपर फ्लॉप मूवी है, तो भूल जाओ उसको। उसके बारे में बात करोगे दिमाग तुम्हारे खराब होगा, इग्नोर। और बंदे, तुम्हारे एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे आगे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर करके जाना। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, 1, 2, 3, 4 चारों स्क्रीन पर आ गए ना, तो देख लेना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।